हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आई हूँ एकदम सिंपल सा सब्जी लेकर के, आलू की सब्जी। और उसको मैं सरसों और लहसुन डाल करके आज बनाऊंगी एकदम न्यू तरीके से। तो चलिए फिर मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ। देखिए यहाँ पे मैं दो प्याज कट करके रख ली हूँ, दो ग्रीन चिली है, थोड़ा 2 टीस्पून सरसों है और 10 कली लहसुन का है, 1 टमाटर है। सभी को मैं चॉप करके यहाँ पर रख ली हूँ। ग्रीन चिली पूरा है। अब यहाँ मैं कच्चा आलू का छिलका उतार लेती हूँ। एकदम सिंपल सा है सब्जी, लेकिन बहुत ही टेस्टी है। आप बोलेंगी कि आलू का तो है, लेकिन देखिए आगे कितना अच्छा ये सब्जी बनता है। तो मैं इसका छिलका उतार रही हूँ आलू का। हो गया मेरा यहाँ पे। अब मैं इसको कट करूँगी। देखिए कट किस तरह से कर रही हूँ, ये गोल गोल स्लाइस में कर रही हूँ, जैसे आलू चिप्स रहता है उस तरह से मैं इसको कट कर रही हूँ। तो आप पूरा वीडियो देखिए और रंजीता पाठक वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं अभी वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, थोड़ा लेट हो जाता है, मैं किसी वजह से अभी बिजी हूँ। तो ये टमाटर, लहसुन, मिर्ची, प्याज और सभी को मैं अभी पेस्ट बनाऊंगी सभी का। ये धनिया पत्ता मैं साइड कर ली, ये सरसों बाद में पिसाएगा। देखिए यहाँ पे मेरा ये मसाला तैयार हो गया, वो प्याज और टमाटर सब का। अब मैं इसको पॉट को अच्छे से धो लूँगी और इसको कपड़े से अच्छे से पोंछ लूँगी। इसमें सरसों में अगर पानी पड़ जाता है तो वो अच्छे से नहीं पिसाता है। मैं इसको सूखा पहले पीसूँगी, उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके पीसूँगी। पहले पूरा इसको अच्छे से पीस ली थी और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के बाद में चलाई थी। तो देखिए मैं इसमें सब आलू में डाल दी हूँ। अब इसमें हल्दी जाएगा, सारा मसाला इसमें मैं डाल दी। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक जाएगा। अब इसको मैं सभी को अच्छे से मिलाऊंगी। तो देखिए ये कितना अच्छा कलर हो गया। अब मैं चढ़ाई हूँ कढ़ाई। अब इसमें मैं ऑयल डाली हूँ, मस्टर्ड ऑयल। अब इसमें मैं बाइंडिंग के लिए 2 टीस्पून बेसन डाली हूँ, जिससे ये आलू में पकड़ेगा मसाला पूरा। कच्चा आलू है तो अब इसमें मैं इसको फ्राई करूँगी, डाल करके गोल्डन फ्राई करूँगी ये आलू को। एक एक पीस करके इसमें मैं डाल रही हूँ, जिस तरह से मछली को फ्राई करती है उस तरह से मैं आलू को फ्राई कर रही हूँ। बहुत कम ऑयल इसमें लगता है, ज़्यादा ऑयल नहीं लगता है। तो देखिए यहाँ पे मेरा गोल्डन ब्राउन हो गया ये आलू। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। एक बार आप ज़रूर ट्राई करेंगी ये आलू का सब्जी बनाने का, बहुत ही टेस्टी सब्जी लगता है, सबसे हटके है ये और इजी भी है। तो फिर मैं अब देखिए कैसा लग रहा है। तो फिर अब मैं इसको मैं फिर से डाल दूंगी इसमें। इसको भी उसी तरह से गोल्डन ब्राउन करूंगी। मैं 4 से 5 आलू ली थी।
इसमें जितना जा सकता है मैं डाल देती हूँ। ये भी मेरा हो गया गोल्डन ब्राउन। मेरे घर में कभी कभी हरी सब्जी अगर नहीं रहती है तो मैं ये आलू का यूनिक सा सब्जी बनाती हूँ, बहुत टेस्टी लगता है, सभी घर में पसंद करते हैं इसको। तब ये हो गया तैयार, देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है। ये ऐसे भी आप खा सकती हैं, तो मैं इसे 10 पीस निकाल के रख लेती हूँ अलग से साइड से देने के लिए, बहुत टेस्टी लगता है। इसमें लहसुन मिर्ची सब चीज़ पड़ता है तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये मैं इसमें करी पत्ता डाली हूँ, अब मैं इसमें जीरा डाली हूँ 1/2 टीस्पून। अब ये मसाला जो बचा था आलू में मैं जो मिलाई थी मिक्स की थी, तो वो मसाला जो बचा बस उस मसाले को उस तेल में मैं फ्राई करूँगी। इसमें मैं थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक डाल देती हूँ। इसका मैं ग्रेवी बनाऊंगी। तो देखिए ये मसाला मेरा यहाँ पे फ्राई हो रहा है। अब इसमें मैं पानी डाल देती हूँ अपने ग्रेवी के अनुसार। मैं इसमें 1/2 लीटर पानी डाली हूँ। अब इसमें अच्छे से देखिए उबाल आ रहा है, ये लास्ट में गाढ़ा हो जाता है, ग्रेवी बहुत गाढ़ा हो जाता है इसलिए कि इसमें बेसन है तो गाढ़ा हो जाता है, बस कम बेसन यूज करना है। अब ये इसमें उबाल आ गया तो मैं इसमें ये आलू का जो फ्राई की हूँ इसको मैं डाल रही हूँ। आप देखिए, आपको देखने में ही बहुत टेस्टी लगेगा, आप ज़रूर बनाएंगे। मैं थोड़ा सा रख ली हूँ आलू का, वो फ्राई किया हुआ। ये 5 मिनट इस पे इसको रखूंगी। ये तो मेरा आलू तो मेरा एकदम पक गया है। अब इसमें मैं धनिया पत्ता डाल देती हूँ, धनिया पत्ता से स्वाद और खुल जाता है। हो गया, मैं गैस को बंद कर दी हूँ। मेरा सब्जी यहाँ पे रेडी हो गया। देखिए आप कैसा लग रहा है सब्जी। और रंजीता पाठक वर्ल्ड को सब्सक्राइब की जरूर कीजिएगा। देखिए मेरा सब्जी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर मैं आऊँगी दूसरी वीडियो के साथ में। तो देखिए मैं चावल सब्जी और वही आलू का जो फ्राई करके रखी थी वो है साइड में मैं दी हूँ, यही आज मेरे घर में खाना बना है। तो फिर मैं मिलती हूँ आगे। बाय बाय।